हम यहाँ पे वेब सीरीज़ जो शूट कर रहे हैं लव लाइफ और स्क्रू अप उसकी यू नो रिहर्सल चल रही है. तो इसमें एक छोटा सा सालसा का पीस हम कर रहे हैं जो मैं युवराज के साथ शूट कर रही हूँ. सॉरी मुझे लगा वो मुझे बुला रहे हैं. युवराज अच्छा फ्रॉम द टॉप जी यहाँ पे हम जो वेब सीरीज़ है हमारी लव लाइफ और स्क्रू अप्स उसकी रिहर्सल चल रही है. तो उसमें छोटा सा सालसा का पीस है. तो मेरे जो डांस सीन्स है और जो भी सीन्स है वो युवराज परेशर के साथ शूट हो रहे हैं. और मैं यू नो काम कर रही हूँ. यू नो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. हम वहाँ पर करें तो सर काफ़ी जो डांसिंग नज़र आई आपकी पे तो क्यों हो रहा है क्या है किस तरह का फिल्म है क्या क्या डांस होने वाला है. तो कपिल जी की न्यू वेब सीरीज आने वाली है लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स. उसके लिए युवराज और सोनाली उसमें मेन लीड्स हैं एंड उनके लिए एक डांस है इसमें जहाँ पे युवराज इस प्लेइंग सालसा टीचर का किरदार निभा रहे हैं और ये उनकी स्टूडेंट हैं एंड उसमें किस रोमांस शुरू होता है उसको लेकर के ये डांस सेटअप हुआ है. And I think you would like it because it is quite sweet, it's romantic. At the same time, कहीं ना कहीं पे उसमें teacher और एक student की जो chemistry होती है, at the same time जो tension होता है, वो देखने को मिलेगा आपको. And I think it should come out beautiful. Okay, Sonali जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे. संदीप सर ने choreograph किया है. किस तरह का अनुभव रहा आपका? जी, first time इन्होंने choreography की है. And he's the ace choreographer, so तो यू नो इट्स अ फन एक्सपीरियंस. उन्होंने काफ़ी स्टेप्स बताए, थोड़े सिंपल ही रखे क्योंकि मेरा और युवराज का फर्स्ट टाइम है. सो काफ़ी मज़ा आया सीखने में. और फर्स्ट टाइम मैंने सालसा लाइक थोड़े स्टेप्स मैंने सीखे और जो टेक्निकली लाइक यू नो वो जो फुटवर्क होता है जो फॉर्म्स होते हैं जो पॉस्चर होता है वो मैंने आज सीखे. सो थैंक यू संदीप फॉर दैट. और बहुत मज़ा आया. तो अब देखते हैं अभी शूट में कैसा रहेगा. सालसा के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का डांस होता है सालसा. सालसा इज़ अ वेरी सेंसुअस डांस एंड राइटली सो कपिल ने डिसाइड किया है कि दिस डांस शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ उनका रोमांस क्राइम. द डांस ब्रिंग्स आउट दैट थिंग. सालसा इस अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो इट जस्ट मीन्स स्पाइस इट अप. तो आपकी लाइफ में अगर आपको स्पाइस अप लाना है स्पाइस करना है तो सालसा जरूर करना चाहिए आपको. वही दोनों करने वाले हैं अपनी वेब सीरीज में कि अपनी लाइफ में रोमांस लाने के लिए सालसा करेंगे. एंड लाइक तुमने कहा कि जिस डांस में से स्टूडेंट्स की शुरुआत होते हुए किस तरह से रोमांस बढ़ता है तो वो होगा. तो सिर्फ नाइस एवोल्यूशन ऑफ डांस इज वेल. वेरी ईजी एक्चुअली. आई वॉज नॉट टू श्योर हाउ इज गोइंग टू बी बिकॉज युवराज आई हैव सीन हिम डांस. ही इज डांस वन ऑफ माई म्यूजिकल्स ऑल्सो. सोनाली हैड नेवर सीन हर डांस बिफोर. सो आई वॉज नॉट टू श्योर हाउ इज गोइंग टू बी. But I must say they both are super talented, especially Sonali, because she, for the first time she's met me and we have set up a 1.5 minute dance piece in less than 1 hour. So I think it just talks about a true artist. So Sonali, was it easy or difficult for you?
एक्चुअली एज आई सेड कि संदीप बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर है और जब उन्होंने शुरुआत ही की ही वॉज जस्ट लाइक द मोमेंट आई एंटर्ड इज लाइक सोनाली कम ऑन लेट्स डू इट और फिर जो जो स्टेप्स बताए मैंने देखा ओह माय गॉश ओह माय गॉश ओह माय गॉश बट वो जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और जो आई वुड से कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं सो अब मैं घर जाके और प्रैक्टिस करूंगी एंड आई एम श्योर वो बहुत अच्छा ही दिखने वाला है फिल्म रिलीज का अनुदान है कब फिल्म की शूटिंग हो रही है कब रिलीज का बात चल रहा है वेब सीरीज के बारे में जी ये एक्चुअली रिलीज डेट तो अभी तक आई नहीं है बट जो मेरा ट्रैक है वो हम दो दिन में शूट करने वाले हैं सो आई थिंक जो आई डोंट नो हैव यू आस्क्ड मी अबाउट माय कैरेक्टर बट द शूटिंग ओके माय कैरेक्टर जो कैरेक्टर का मतलब जो टाइटल है वो है कशिश एंड बेसिकली एक्चुअली आई हैव 50 शेड्स ओनली बहुत सारे शेड्स हैं मेरे सो काफ़ी चैलेंजिंग है देखते हैं अभी डायरेक्टर कैसा काम कराते हैं बट मैं अपने तरफ से 100% दूंगी मोर देन 100% सर कांस में भी आप काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आए हैं अपने स्टाइल को लेकर अपने पोस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे बिल वो तो मेरा स्टाइल नहीं होगा मैं आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीपक शाह एंड पूजा शाह ऑफ मोमेंट शी जिन्होंने मेरे सब कपड़े डिज़ाइन किए द बेस्ट पार्ट अबाउट कांस वॉज द टॉक आई मस्ट से दैट बिकॉज आई वॉज कॉल्ड फॉर माई टॉक देयर द टॉपिक वॉज बॉलीवुड डांसिंग डांस इन बॉलीवुड सिनेमा एंड चेंजिंग ट्रेंड्स तो पूरे किस तरह से हम लोग साइलेंट मूवीज में पहले होते थे फिर हमने एक्सप्रेशंस में डांस करना शुरू किया फिर क्लासिकल डांस ओरिएंटेड मूवमेंट्स होते थे फिर फोक में शिफ्ट पे हेलन जी ने कैबरे लेके आई फिर डिस्को आया ब्रेक डांस आया जैज आया ब्रॉडवे आया अभी इतने इंटरनेशनल डांसों पर आ गए एंड हिप हॉप नाउ इज रूलिंग सो ये पूरा जो 103 ईयर्स जो डेवलपमेंट हुआ है डांस का वो किस तरह से पॉजिटिव चेंज आया है तो उसके ऊपर ये पूरा टॉक थी हमारी एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ पे थे मेरे टॉक के लिए दे ऑल लव बॉलीवुड एंड इट जस्ट मेक्स अस फील प्राउड ओके एनी योर प्रोजेक्ट्स अपकमिंग आई हैव अ फ्रेंच इंडो फिल्म व्हिच इज कमिंग आउट यू विल सी इट बीइंग रिलीज इन द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल इन मंथ ऑफ जुलाई एंड इन फ्रेंच फिल्म यू विल सी सम बॉलीवुड डांसिंग एनी योर प्रोजेक्ट्स जी मेरी 22 जुलाई को ग्रेट ग्रैंड मस्ती वो रिलीज हो रही है फिर पैरानॉर्मल रिलीज हो रही है और मैंने एक और फिल्म फैंडम के साथ साइन की है सो या थैंक यू थैंक यू